रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई है। बैठक में गठबंधन दल के विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम रहते हुए खनन का पट्टा लेने के लगे आरोपों के बीच आज राज्यपाल चुनाव आयोग से मिली चिट्ठी पर फैसला ले सकते हैं। ऐसे में बैठक में भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और जो सुबह ये 11 बजे महागठबंधन के विधायक बुलाए गए हैं, बैठक होने वाली है, ये काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट में भी यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर बाढ़ का पानी भर गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर हाईवे को बंद कर दिया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों की मदद के लिए प्रयास कर रहा है। पुल ही खंभा पूरा डूब गया पानी में, तो अगर बिजली आपूर्ति होती है तो इससे बड़ी दुर्घटना घटित होगी। इसमें तो आपूर्ति बंद होना ही विकल्प है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गाँव की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी है। प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। खबर है कि पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के निवेश वाली कंपनी के ड्रोन जल्द ही सेना की ताकत बन सकते हैं। असल में गरुड़ा एयरस्पेस ने मेक इन इंडिया मुहिम के तहत सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्पेशल ड्रोन तैयार किए हैं, जिन्हें दुश्मन के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। खबर है कि सेना ने इन ड्रोन की तकनीक में दिलचस्पी दिखाई, साथ ही गरुड़ा एयरस्पेस से अपनी एक टीम भेजकर सेना के जवानों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए कहा, ताकि सीमा पर दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की ताकत का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। और यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में पायलट के बिना चलने वाले विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल ही दुश्मन की निगरानी करने या उस पर हमला बोलने के लिए सबसे घातक हथियार साबित होंगे। इसीलिए सेना ने अपने जवानों को ड्रोन की आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए गरुड़ा एयरस्पेस से संपर्क किया, जिसमें धोनी ने निवेश तो किया ही है, साथ ही वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार की जानकारी दी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हुआ और उन्हें 15 दिन बाद होश आ गया। दिल्ली के बकरवाला इलाके की जेजे कॉलोनी में दो लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मंडोली जेल से एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। एशिया कप की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया ने दुबई में अभ्यास शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी बीसीसीआई ने शेयर किया, जिसमें विराट कोहली पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम से हाथ मिलाते नजर आए। दिल्ली से जहां आबकारी नीति पर मचे सियासी घमासान के बीच आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली सरकार विधानसभा में रेजोल्यूशन लाएगी। सत्र से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। उधर आबकारी नीति पर विधानसभा में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। तो दिल्ली विधानसभा का ये विशेष सत्र एक दिन का विधानसभा का सत्र रहेगा। हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि आबकारी नीति को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है और जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने को लेकर, ऐसे में यह सत्र काफी अहम हो जाता है। उधर उत्तर प्रदेश में भले ही बारिश ना होने से सूखे जैसे हालात हो, लेकिन गंगा यमुना समेत वहां पर कई नदियों ने कहर बरपाया हुआ है। गाजीपुर में तो गंगा किनारे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी तस्वीर दिखाई दी। गंगा के किनारे बसे लोगों के घर डूब गए। गाजीपुर में डराने वाली बात यह है कि गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले बहुत कम हुआ करती थी, नीचे तक पहुँच, अब ऊपर तक आ चुकी है, घाट के ऊपर सीढ़ियों पे आ चुकी है। गाजीपुर ही नहीं बल्कि भदोही में भी गंगा का गुस्सा देखने को मिला, जहाँ गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से निचले इलाके डूब गए। गंगा के रामपुर घाट पर बने मंदिरों में कई फीट तक पानी भर गया। गंगा के गुस्से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 2 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हम इस समय रामपुर गंगा घाट पर मौजूद हैं। आप यहां देख सकते हैं जो शिव मंदिर था वह गंगा के पानी की जद में आ गया है और तेजी से गंगा का जलस्तर यहां पर बढ़ रहा है। दिक्कत इस बात ने ज्यादा बढ़ा दी कि हरिद्वार से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 2 से 3 दिनों में भदोही में पहुंच जाएगा। ऐसे में गंगा खतरे के निशान तक पहुंच सकती है और फिर जिले के धनतुलसी, भबौरी, मवैया, छेचुआ, सीतामढ़ी, रामपुर समेत कई दूसरे इलाकों में बाढ़ आ सकती है। अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां तालिबान के कुछ लड़ाके एक शख्स को बुरी तरह पीटते नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि उसने तालिबान सरकार की आलोचना की थी,
जिससे तालिबान तमतमा गए और उसके पैर बांध कर उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। वीडियो में दो लोग उसके पैरों से बंधे कपड़े को पकड़े दिखे और एक बगैर रुके उसे पीटता गया। इस दौरान वो शख्स लगातार उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, पर वो नहीं रुके। काफी देर तक कोड़े बरसाने के बावजूद उनका मन नहीं भरा। इसके बाद उन लोगों ने उस शख्स के पैरों को छोड़ दिया और लातों से पीटने लगे। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इस बात का पता नहीं चल पाया, पर दावा किया गया कि तालिबान सरकार के खिलाफ बोलने पर उसे ये सजा दी गई। दिल्ली में अवैध हथियारों के सप्लायर पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार तीस्ता सितलवाड़ की जमानत पर सुनवाई मंगलवार तक टाल दी। गुजरात सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल को 17-21, 21-16 और 13-21 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यूपी में गंगा किनारे बसे शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा नदी अलर्ट पॉइंट से ऊपर बह रही है, जिसके बाद गंगा का पानी घाटों को डुबाने के बाद काशी की गलियों में घुस गया है। रिहायशी इलाके में गंगा का जलस्तर पहुंचने से लोगों को खासा परेशानी हुई। 80 घाट के किनारे बसी कॉलोनी में तो नाव चलती दिखी, तो वहीं घरों में कई फीट तक पानी भर गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मछुआरा समाज बेहद परेशान दिखा। बहुत परेशानी है सर, क्योंकि बोट नहीं चलेगा तो कैसे हमारा जुगाड़ चलेगा, ऐसे घर में खर्चा पानी होगा सर। गंगा के जलस्तर में 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा गंगा की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद प्रशासन ने नाव चलाने पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के लिए इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल ही बड़ी चुनौती बना हुआ है। दावा है कि अफगानिस्तान में अब खून खराबे का एक और दौर शुरू हो सकता है, जिसकी जड़ में इस्लामिक स्टेट हो सकता है। और हालत यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बने एक साल बीतने के बाद भी शांति बनने के आसार नहीं दिख रहे। माना जा रहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मान्यता दिलाना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि दुनिया के बाकी देशों से रिश्ते बेहतर किए जाएं, ताकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। लेकिन आतंक के जिन आकाओं का साथ तालिबान को अमेरिका से लड़ने में मिला था, वही अब उसकी सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। पहले ही भारत और ईरान से बातचीत शुरू करने पर तालिबान ने नाराजगी जताई थी। इसके अलावा महिलाओं पर लगी पाबंदियों में ढील देने पर भी तालिबान राजी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह कि रोजाना आने वाले इस्लामिक स्टेट के फतवे तालिबान की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट की विचारधारा में उदारता या नरमी की कोई जगह नहीं है। वो किसी दूसरे धर्म के साथ अपनी आजादी साझा करने के पक्ष में नहीं है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए बदलावों को की समर्थन करने वाले नेता भी इस्लामिक स्टेट के टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट अब खुद को तालिबान के बराबर ताकतवर समझने लगे। जब तक तालिबान के बड़े नेता बातचीत के रास्ते माहौल संभालने की कोशिश भी करते हैं, कोई नया धमाका हो चुका होता। 17 अगस्त को काबुल की एक मस्जिद में धमाका हुआ, जिसमें 50 लोग मारे गए। शक है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान का ही हाथ है। इससे पहले रहीमुल्ला हक्कानी को भी एक आत्मघाती हमले में मारा गया था। रहीमुल्ला तालिबान और हक्कानी दोनों के लिए गुरु से कम नहीं था। इससे पहले गुरुद्वारे में हमले की एक घटना में भी इस्लामिक स्टेट की भूमिका का पता चला था। इसीलिए माना जा रहा है कि तालिबान को पूरी आजादी के लिए अभी कुछ और लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अफगानिस्तान में अभी खून खराबा जल्दी थमने